एनएसएस के छात्र छात्राओं ने जन जागरूकता रैली निकालकर किया जागरूक। बक्सवा शासकीय महाविद्यालय के गोदग्राम जुझारपुरा में लगे विशेष शिविर जो 7 दिनों तक चलना है, आज उसका 5वां दिन था और 5वें दिन की गतिविधि में रसोई एनएसएस के छात्र छात्राओं ने एक जन जागरूकता रैली का आयोजन किया, जिसमें नशा मुक्ति, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, पानी को कैसे बचाना है, जल संरक्षण और महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी रैली में स्लोगनों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। इस रैली में गांव के बच्चों ने एनएसएस के सभी छात्रों छात्राओं और स्वास्थ्य संबंधी शिविर भी लगाया, जिस गांव में लोगों को वैलिड टेस्ट कराया गया। कार्यक्रम अधिकारी अवधेश प्रताप सिंह और श्रद्धा राठौर ने रैली का सफल आयोजन किया। आपको पता है शासकीय महाविद्यालय बक्सवा में इस बार महिला इकाई का भी गठन किया गया है, जिसमें मुझे कार्यक्रम अधिकारी के तौर पर नियुक्त किया गया है और इसमें इस बार काफ़ी सारी लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया। हमारे कैंप में भी डेली लड़कियां आती हैं और यहां पर रोज अलग अलग नई नई गतिविधियों का आयोजन किया जाता है, जिसमें ये लड़कियाँ भी अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट करती हैं और मुझे लगता है कि इस तरीके से कार्यक्रम से इन लोगों का मनोबल बढ़ता है, इनका उत्साह वर्धन होता है। यहाँ हमने काफ़ी हर दिन अलग अलग गतिविधियों का आयोजन कराया, जिसमें लड़कों के साथ लड़कियों ने भी पूरी सहभागिता अपनी सुनिश्चित की। नुक्कड़ नाटक भी किए, गांव-गांव जाकर नुक्कड़ नाटक किए, उसमें भी हम लोगों को बहुत अच्छा लगा कि हम लोगों को भी आगे मतलब लड़कों जैसा मिल रहा है, सब कर रहे हैं आगे कि ये 23 तारीख शासकीय महाविद्यालय बक्सवा द्वारा 23 से और ये 29 तारीख तक क्या कहते हैं आवासीय शिविर लगाया गया, विशेष शिविर कहलाता है और इसमें राष्ट्रीय सेवा योजना की छात्र इकाई भी थी और छात्र इकाई भी थी। तो हम लोगों ने 7 दिन अलग अलग कार्यक्रम किए, जैसे एक दिन हम लोगों ने नशा मुक्ति से संबंधित रैली निकाली, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक दिन हम लोगों ने वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम चलाया, एक दिन अखंड रामायण में भी हमारी क्या कहते हैं छात्राएं शामिल हुई, एक दिन उन्होंने मंदिर प्रांगण की सफाई भी की और उसी तारतम्य में आज ये जो 5वां दिन था, तो आज के दिन हम लोगों ने यहाँ पे एक हेल्थ शिविर का आयोजन किया गया है जो गाँव के लोगों के लिए हेल्थ चेकअप करेगा।